नमस्ते सर। थैंक यू। मेरा नाम आयशा है। ओके सर, थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। मैं मायसेल्फ सुलभ यादव। I'm the CEO of Parivar Super Speciality Hospital. Okay. Yeah, and I have a very little small family, so I just wanted to move on to some kind of a security place. Okay. That belongs to some reputed builder like Newtek. Okay. So that's why I came here. That's all. Where you reside, sir? कहाँ रहते हैं आप? Right now I'm living in a city center area. Okay. ग्वालियर में आपका सिटी सेंटर है, उसी एरिया में अभी मैं करंट में वहीं पे पोजीशन है अभी मेरा, और देखते हैं अभी आगे कहाँ पे। ओके, तो सर जैसा आपने बताया कि आप सिटी सेंटर में रहते हैं जी, तो न्यूट्रिक के बारे में आपने कैसे पता चला आपको? बेसिकली मैं न्यूट्रिक के और भी कई प्रॉपर्टियों से कनेक्टेड था, और मैंने देखा है उनका एक ग्वालियर में एक न्यूट्रिक एक ब्रांड काइंड ऑफ थिंग है, जो मतलब टाइमली अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन और एक फेथ होता है, जो फेथ और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मुझे इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, तो जिस वजह से मैं भी अपने लिए जो है एक ऐसी ही प्रॉपर्टी देख रहा था जिसमें एक एक मिडिल क्लास इंसान के लिए क्या चाहिए होता है, एक सही टाइम पे उसको अपना पोजीशन मिले, एक ईजिली जो है परचेज प्लान मिल जाए, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं न्यूट्रिक के लिए जो है आया। और ये प्रॉपर्टी तो मैं काफ़ी दिन से जो है इस पर व्यू रखे हुए था, कि जैसे ही यहाँ पे कुछ होता है तो मैं शायद अपने एक डिसीजन के लिए वो गो ऑन करूँ। तो जैसे आपने हमारे न्यूट्रिक के बारे में कुछ चीज़ें बताई, आई एम श्योर आप जब प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे थे तो आपने और भी बिल्डर्स को देखा होगा। श्योर, श्योर, श्योर। और डीपली स्टडी किया होगा। श्योर, श्योर। तो आपको क्या लगता है कि हम उन लोगों से कैसे अलग हैं? करंट सिचुएशन में ग्वालियर में आपको देखा जाए तो कई सारे बहुत सारे फ्रॉड है और कई सारी चीज़ें हैं, कोई कहीं लैंड है, कहीं परमिशन का इशू है, कहीं किसी भी तरीके की जो है, बट न्यूट्रिक की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो नीट एंड क्लीन है सारी की सारी। इवन न्यूट्रिक ग्रांड ले लीजिए आप, न्यूट्रिक नेचर पार्क और आपके और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने देखे हुए, एक प्रॉपर काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो न्यूट्रिक में है वो शायद मुझे नहीं लगता ग्वालियर में कोई दूसरा बिल्डर उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और बाकी ये आपकी ये टाउनशिप तो मेरे ख्याल से ग्वालियर में सबसे बड़ी और काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए ओबियस सी बात है। और अलग का तो ऐसा है कि जो बिल्डर अपने कस्टमरों का इस तरीके से ध्यान रखता है, अपने पोजीशन टाइम पे देता है, अपनी प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट इस तरीके से रखता है, तो ओबियस सी बात है कस्टमर की चॉइस इतना न्यूट्रिक ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जी। तो जैसे आपने बताया कि अभी आप सिटी सेंटर में रहते हैं जी, और आप ये बात जानते हैं कि हमारी ये गार्डन सिटी थोड़ा सा टाउन से हटके है। करेक्ट। तो आपका ये डिसीजन कि सिटी सेंटर से यहाँ पे आने का वो कैसे शिफ्ट हुआ, या क्या आपके माइंड में था उस टाइम ये जब आपने ये चीज परचेज करी? दरअसल आपको बताया जाए कि आजकल सिटी इतनी क्राउडेड हो चुकी है कि हर इंसान चाहता है कि थोड़ा पीसफुल एरिया में अपने आपको जो है सेटल करे, और पीसफुल के अलावा कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का भी कंसर्न ना हो, और क्योंकि जनरली एक मिडिल क्लास इंसान के लिए अपने अपने ऑफिस या इन सब में इन्वॉल्व होने के बाद अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है। Exactly. तो इसी वजह से इसी टाइप की टाउनशिप जिनमें हमारे सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, हमारी हमारे लेवल की जो एक सोसाइटी जो रहे उसमें हमारे जो है बच्चे ग्रो करें, तो यही वो भी ऐसी बात है। बाकी डिस्टेंस का बोला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आज से जो है 3 या 4 साल बाद ग्वालियर यहाँ से कुछ ज़्यादा अनअप्रोचेबल डिस्टेंस पे होगा। हाँ। आप 7 to 8 किलोमीटर पे आप इजीली जो है ग्वालियर की जो है मोस्ट ऑफ द लोकेशन को जो है रीच कर सकते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप हमारे साथ डील कर रहे थे नेटवर्क के साथ जी, किसी दिक्कतों का आपने सामना किया कोई, जब डीलिंग चल रही थी किसी कलीग्स के साथ कोई ट्रांसपेरेंसी इशू कुछ भी ऐसा जो आप हम करेक्ट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यही थी कि जो ट्रांसपेरेंसी जो न्यूट्रिक की है, जो टाइमलाइन है उसको मीट करने में न्यूट्रिक के अलावा और कोई मुझे नहीं लगता कि जो आप लोगों को जो है ओवरकम करता है। सेकेंडली कुछ चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रिक को भी जो है, चूँकि न्यूट्रिक ग्वालियर में एक नाम है तो मुझे लगता है उनको भी कुछ एक एक और सम काइंड ऑफ अदर कैटेगरी को भी टारगेट करना चाहिए जो
थोड़ा सा कम अफोर्डेबल होम्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको भी और काइंड ऑफ सीएलपी प्लान भी उसको लॉन्च करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, क्योंकि आज के टाइम पे इंसान लैंड लेता है फिर उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन, तो ये कई सारे जो है हर्डल्स रहते हैं जो उसे घर बनाने में जो है दिक्कत देते हैं। तो एक सिंपल एक फैमिली का आधा स्ट्रगल वहीं ख़त्म होता है कि जहाँ उसको जो है बस कैसे भी अपने काम में ना डिस्टर्ब होते हुए जल्दी से जो है अपना घर मिल जाए। तो मुझे लगता है न्यूट्रिक को कुछ ऐसे भी प्लान लेके आना चाहिए कि अगर कोई डुप्लेक्स वगैरह अगर कुछ ऐसे हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हो, थोड़ा सा टेन्योर थोड़ा सा बढ़ जाए, तो मुझे लगता है कि जो टारगेट कस्टमर है न्यूट्रिक के वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएंगे। ये आपने हमें फीडबैक दिया है, हम जरूर इसको कोशिश करेंगे लीड करने के लिए। और कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जो आपने न्यूट्रिक के अंदर, मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमें रिकमेंड करेंगे तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं आपको कि न्यूट्रिक के अंदर हैं और वो उन लोगों को भी हमारे साथ ही जाना चाहिए, न्यूट्रिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कोई भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले उसका जो है व्यू उस सोसाइटी के डेवलपमेंट पे जाता है, और इस चीज़ में न्यूट्रिक मास्टर इन ग्वालियर, दैट्स व्हाई ओबियस ही बात है, अगर कोई भी आएगा वो आपका डेवलपमेंट देखेगा तो मुझे नहीं लगता, अगर आप एक अप्रोच प्राइस में ही, वैसे मुझे तो लगता है कि आप अप्रोच प्राइस में ही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जिस लेवल पे हैं सम अदर पर्सन आल्सो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर लेवल। मुझे लगता है डेवलपमेंट के हिसाब से उसको उस ये जो आप लॉन्चिंग प्राइस रहती है आपकी वो भी वर्थ लगती है, उसमें उसको कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। इफ एनीबडी कैन चूज दिस वन और सम डीबी और सम अदर बिल्डर, एंड डेफिनेटली द फर्स्ट चॉइस विल बी न्यूट्रिक। न्यूट्रिक, या। थैंक यू सो मच।